For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. Well, Salman Khan aaye aur number one pe na chhaye, aisa to ho hi nahi sakta aur aisa hi ho gaya hai Dabang ke teaser ke saath. Ji haan, kal iska teaser out hua tha jahan par Salman kehte nazar aaye the ki swagat to karo hamara aur uske saath saath जब चुलबुल पांडे है इंडिया की पसंद तो फिर क्यों करेंगे सलमान खान प्रमोशंस, कुछ ऐसा कहते हुए नजर आए थे. और इसी के साथ साथ दबंग का जो टीजर है गाइस वो नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा है. जी हाँ, कल से लेकर अभी तक दबंग का जो टीजर है वो नंबर वन पे ट्रेंडिंग है. सलमान आए और ना छाए ये कभी नहीं हो सकता, ना छाए और किसी की वाट ना लगा ये कभी नहीं हो सकता. तो ऐसा ही कुछ हो गया है फाइनली. और दबंग 3 को लेकर जितना ज़्यादा बज़ है उतनी ज़्यादा मेकर्स ने इसको क्यूरोसिटी बना रखी है इस प्रोजेक्ट को लेकर, बिकॉज कुछ भी फिल्म से रिलेटेड बाहर नहीं आ रहा है. इट्स जस्ट दैट जब फर्स्ट लुक आया था सलमान का एक डायलॉग नज़र आ गया था, अब जब टीज़र आया है वहाँ पर भी सलमान जो है वो डायलॉग बोलते हुए नज़र आ रहे हैं. यू नो कि चुलबुल पांडे हैं इंडिया की पसंद तो फिर ये क्यों करेंगे प्रमोशंस और ऐसा वैसा. लेकिन स्टोरी रिवॉल्व कहाँ हो रही है, स्टोरी क्या है वो समझ में नहीं आ रही है. सो क्यूरोसिटी लगातार बनाई हुई है और वही बनी रहेगी मुझे लगता है जब तक ट्रेलर या सॉन्ग्स नहीं आ जाते. ऐसा कहा जा रहा है कि गाने पहले आएंगे, तो देखते हैं कि कितना एक्साइटिंग होगा. लेकिन नंबर वन पे ट्रेंड करे हैं सलमान खान, जहाँ जाते हैं छा जाते हैं. आपका क्या कहना है इस चीज़ पर कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए. एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज़ अड्डा को. मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ.